आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टमाटो केचप। ये बाज़ार से भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा और बनाना तो इसे इतना आसान है कि आप झटपट से इसे बना के तैयार कर लेंगे बिना किसी झंझट के। तो आप क्या आप इस रेसिपी को जानना चाहेंगे? तो चलिए बने रहिए वीडियो पर मेरे साथ। मैं तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल khanapina.com पे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टमाटर केचप के लिए मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं जिसे हमें कट कर लेना है, दो टुकड़ों में कट कर लेना। इस तरह से सभी को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 10 से 15 लाल मिर्ची को भिगो के रखा था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप बिना भिगोए भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसे। लाल मिर्ची तो हमने ऐड कर दी है। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी लहसुन, 8 से 10 कलियाँ, आप चाहे तो 15 से 20 कलियाँ तक यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 7 से 8 हरी मिर्च, ये तीखी वाली है, आप चाहें तो थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। नमक 2 चम्मच के करीब, इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप क्वांटिटी के हिसाब से ही ऐड करें। 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1 बड़ी साइज में प्याज कटे हुए, अब इसमें जाएगा 1/2 कप विनीगर। विनीगर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे हमें अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देना है। मैं कुकर को इसी तरह रख दूंगी गैस पे। मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होकर नीचे बैठ जाएंगे तब हम इसमें इसे कवर करके 4 सीटी आने तक इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं 4 सीटी आ चुकी है। मैंने इसे ठंडा कर लिया है 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें सभी को हमें मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। हम थोड़ा थोड़ा करके सभी को पीस के तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने पहला बैच पीस के तैयार कर लिया है। हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है और मैं इसे पीसने के बाद छान भी लूंगी। इस तरह की छलनी से मैंने पीसे हुए टमाटर को इसमें छान लिया है। इसी तरह हम सभी बैचेस को पीसकर छान लेंगे और छान के तैयार कर लेंगे। पीसते समय जो पल्प बच रहा है इसे हम सेकेंड बैच में यूज़ करेंगे पीसते समय, और इसी तरह हम इसे पीसते हुए तैयार कर लेंगे। हमने टमाटर प्यूरी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसे स्टर करते हुए हम इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। धीरे धीरे इसे टाइम लगेगा, कम से कम 20 से 25 मिनट इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है। टमाटर प्यूरी उबलते समय बहुत उछलती है और जो आपका किचन है ना पूरा गंदा हो जाएगा, इसीलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप इसे कवर करके ही कुक करें। बीच बीच में इसे स्टर करते रहें। धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अभी इसे थोड़ा और टाइम लगेगा। टमाटर केचप को स्टोर करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे आपकी टमाटर केचप की सेल्फ लाइफ बढ़े। तो चलिए ठंडे होने के बाद मैं आपको सब बताती हूँ। अब हमें केचप को एकदम अच्छे से ठंडा करने के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें तो कांच की बर्नी लेनी है, इसे कांच में की बर्नी में ही स्टोर करके रखना है। दूसरा, मैंने इस बर्नी को गर्म पानी से धो के ड्राई कपड़े से पोंछ के इसे एकदम ड्राई कर लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। ये तो हमारी फर्स्ट टिप है। सेकेंड टिप है कि हमें बर्नी को गैस के ऊपर इस तरह से रखना है, ओपन साइड जो है बर्नी की हमें उसे गैस पे दिखाना है ताकि उसमें अंदर जो कीटाणु या थोड़ी सी नमी रह जाए वो
पूरी परफेक्ट हो जाए, क्लियर हो जाए और आपकी टमाटर केचप की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। ये तो हमारी सेकेंड टिप है। अब थर्ड वाली टिप है, बर्नी को थोड़ा ठंडा करने के बाद ही हम इसमें टमाटर केचप ऐड करेंगे, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। हमने बर्नी में सारा केचप ऐड कर दिया है। अब तीसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक पतीले में पानी लेना होगा और उस पर मैंने इस तरह का स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर मैंने इस तरह से दूध ढकने वाली चलनी को रखा है। इसके ऊपर हम इस बर्नी को रखेंगे। इस तरह से बर्नी को ऐसे रख देंगे कवर करके और 20 से 25 मिनट तक इसे हमें बॉयल होने देना है। इससे आपकी टमाटर केचप की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और आप इसे आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये थर्ड वाली ट्रिप बहुत ही मज़ेदार सी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसे निकाल के ठंडा भी कर लिया है। अब ये हमारी टमाटो केचप है कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये इजी प्रोसेस पसंद आया हो टमाटो केचप बनाने का और इसे कैसे स्टोर करके रखा जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी इस तरह से अगर टमाटर केचप बनाना चाहें तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।